यह दो अक्षर का नाम, नाम यह आता बड़े ही काम, जपे जा जय सिया राम, जपे जा जय सिया राम। क्या जपे जा भैया? अच्छा एक बात बताएं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? नहीं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी गरम कर लेना चाहिए। जरूरी थोड़ी है हर बात में उंगली ही डालो। भाई सीधी उंगली से घी ना निकले कोई दिक्कत नहीं, घी को गरम कर लो, झंझट खत्म। वही हम तुमसे कहना चाहते, संसार नहीं छूटता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान क्यों हो रहे हो? संसार जिन से है तुम उनसे जुड़ जाओ, संसार अपने आप छूट जाएगा। कोई आदत जैसे पड़ी है नहीं छूट रही, आदत तो आदत है नहीं छूट रही, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, निराश मत हो, भगवान की कथा सुनो। और अगर कोई आदत बुरी है छोड़ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, एक काम करना, उस आदत के चक्कर में एक अच्छी आदत डाल लेना। क्या, कौन सी आदत डाल लेना बोलो? अच्छी आदत। फिर क्या होगा, अच्छी आदत आते ही बुरी आदत भाग जाएगी। भाई उजाला आता है अंधेरा भाग जाता है, हाँ जी या ना जी बोलो। एक बालक हमसे बोला, गुरुजी हम 5 बजे उठ नहीं पाते। हमने कहा तुम 10 बजे सो पाते? बोले नहीं 2 बजे। हमने कहा फिर उठोगे कहां से? भाई जल्दी वही उठेगा जो जल्दी सोएगा, और जब तुम जल्दी सोओगे ही नहीं उठोगे क्या? हलुआ ठन ठन गोपाला है? और ये बच्चों को बड़ी दिक्कत है, साहब बच्चों को। पहले के जमाने में मकान की रखवाली के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता था, आजकल रखने की जरूरत नहीं है, बच्चे ही उल्लू बने, रातों भर मोबाइल के चक्कर में जाग रहे, 2-2, 3-3 बजे तक तो जाग ही रहे सुबह से। पर जो धर्मात्मा लोग हैं वो उठ जाते हैं, अब चोरी करे कौन बोलो सीताराम, अब रातन भर लगे फुटार 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 कर भी चल रहा, फुटार फुटार क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पढ़ाई चल रही, भगवान जाने कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बोलो सीताराम। तो संसार की अगर तुम्हें कोई बुरी आदत लगी है, घबराओ मत, निराश मत हो, एक अच्छी आदत डालो। वो अच्छी आदत क्या है? अपनी जिंदगी के 3 घंटे भगवान की कथा सुनने में लगाओ। क्या होगा? भगवान की कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो वायरस को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है? एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है, हाँ जी या ना जी बोलो। कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो उस वायरसों को मिटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता। उसी प्रकार ये दिमाग भी कंप्यूटर है, और इसमें संसार के वासना रूपी अगर वायरस आ जावे तो घबराने की बात नहीं है, भगवान की कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लो, दिमाग अपने आप स्मूथ हो जाएगा। इसीलिए भगवान का नाम बड़ा मंगलकारी है। लेकिन एक और एक शिक्षा हम आपको दें, पांच लोगों का नाम लेना नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए लेकिन 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। आप पूछो कौन कौन? वो 5 लोग हैं, आत्मनाम गुरुर नाम नामाती कृष्ण कृपणस्य च, आत्मनाम गुरुर्नाम नामाती कृपणस्य च, श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। 5 लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए शास्त्र कहते हैं। कौन कौन? पहला अपना नाम, अपना नाम मत लीजिएगा। हम लोग कोई पूछे व्हाट्स योर नेम, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण, हम लोग तुरंत अपना नाम बता देते हैं। इसलिए अयोध्या के महाराज जी जानते हैं, अयोध्या के जितने महात्मा बैरागी होते हैं वो नाम नहीं लेते, हमारे राम जी को भूख लगी रोटी लाओ अपने राम जी कहते, हमारे राम जी को चाय पीनी है
हमारे राम जी को फल खाना है। देखो कितना बढ़िया उपाय है, भगवान का भजन का भजन और चाय की चाय मंगा ली। पांच लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए, किन किन के? पहला अपना नाम, दूसरा गुरु का नाम, अपने गुरुदेव का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बहुत से शिष्य तो हमने ऐसे देखे कि भगवान ही बचाए हमारा नाम दीवालों पे छाप रहे। नहीं 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 लेना चाहिए, अपना नाम, गुरु का नाम, तीसरा कंजूस आदमी का नाम। महाकंजूस हो, कभी भगवान के लिए खर्चा ना किया हो, नाम मत लो, इसमें पुण्य छीण हो जाते हैं। बोलो सीताराम। तीसरा, चौथा अपने बड़े बेटे का नाम, नाम ना लो, कुछ और रख दो, प्यार का नाम रख दो। इसलिए पहले की माताएं बच्चों का एक दूसरा नाम रख देती थी, जैसे हमारा नाम है धीरेंद्र, हमारी माताजी, अब हम बड़े हैं घर में, हमारी माताजी हमारा नाम नहीं लेती, धीरू कहती हैं, काम भी हो जाता है। जय जय सीताराम है, या और प्यार की भाषा में, और राजा बेटा, जब बहुत ज्यादा लाड़ माताओं का आ जाता है, राजा बेटा, मोरो राजा बेटा। अब राजा बेटा भला ही खाजा बेटा बन जाए, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन माताएं जब कभी लाड़ में, जैसे हमारी माता जी हमारा नाम राजा बेटा, मोरो राजा बेटा, मोरो राजा बेटा, खा लो खा लो, सो जाओ, ज्यादा सोया करो। तो पांच लोगों के नाम अपने मुख से नहीं लेना, अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस आदमी का नाम, अपने बड़े बेटे का नाम, और पांचवा अपनी लुगाई का नाम। हाँ, ये भी बड़ी बात, अपनी पत्नी का, भार्या का नाम नहीं लेना चाहिए। इन पांच लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, हम नहीं कहते, ये मनुस्मृति शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है। लेकिन एक नाम छोड़ना नहीं चाहिए, ये कौन? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कहता है पांच लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। बोले क्या होता है? बोले उचित नहीं है, होता तो कुछ नहीं है, नाम तो लेने ही योग्य है। अच्छा, कई लोग नाम भी ऐसे रखते हैं कि वीर बजरंगी बली बचाए, नाम क्रांति बाई, एक नाम शांति बाई, जहां जाएंगी क्रांति फैलाएंगी। एक व्यक्ति का नाम था गोरेलाल, उजाले कमरे में आ जाए तो अंधेरा मच जाए, हमने कहा इनका नाम बदलो, नाम धरो कारेलाल। एक व्यक्ति खड़ा था लंबा चौड़ा, बोले नाम शेर सिंह, बाप का नाम बोले शमशेर सिंह, कंधे पर क्या है? बंदूक। कांप क्यों रहा है? कुत्ता भौंक रहा। ले बताओ, नाम बदलो, नाम बदलो, ये ठीक ठाक नहीं है। तो को नाम लेने योग्य कौन है? प्रभु श्री राम का नाम लेने योग्य है। इसी नाम के बल पर हमारे हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया है।